बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मटन कलीजी की रेसिपी, जो कि बहुत ही इजी, बहुत ही चटपटी ये बनती है। बहुत ही कम मसालों के साथ ये झटपट बनने वाली रेसिपी है, तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ हम एक कढ़ाई लेंगे और इसमें डालेंगे 2 से 3 टेबलस्पून तेल। तेल को हम अच्छे से गर्म होने देंगे। तेल अच्छे से गर्म हो चुका है, अब हम इसमें डालेंगे 2 टीस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट। इसको डालकर हम अच्छे से भूनेंगे, 1 से 2 मिनट तक भूनेंगे इसको। इसके बाद अब हम इसमें डालेंगे कुछ ड्राई मसाले। तो सबसे पहले यहाँ हम लेंगे हल्दी पाउडर 1/4 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, सॉल्ट आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1/2 टीस्पून मैंने इसमें काली मिर्च पाउडर ऐड किया है। इन सब मसालों को लो फ्लेम पे हम अच्छे से भूनेंगे। तो यहाँ मैंने मटन की कलीजी 1 kg ली है, इसको अच्छे से वॉश कर लिया है। अब हम इसको इन मसालों के साथ मिक्स कर फ्राई करेंगे। अब हम फ्लेम को हाई कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर फ्राई करेंगे, जब तक कलीजी का कलर चेंज ना हो जाए। इसको हाई फ्लेम पर ही हम मिक्स कर इसको पकाएंगे। तकरीबन हमने 1 से 2 मिनट तक इसको फ्राई किया है। तो याद रखिए, इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं ऐड करना है, पानी इसी में ही रिलीज़ होगा। अब हम इसको लिड लगाकर इसको कवर कर देंगे। लो से मीडियम हीट पे हम इसको पकाएंगे। याद रखिए, बीच बीच में आप इसको चलाते रहना चाहिए। तो ये देखिए, इसमें से पानी कितना रिलीज़ हो चुका है। अब हम इसको हाई फ्लेम पर कुक करेंगे। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसको लिड से कवर कर देंगे और 6 से 8 मिनट तक हम इसको लो फ्लेम पे पकाएंगे, जब तक इसका पानी ड्राई ना हो जाए। तो आप देख सकते हैं, इसका पानी भी ड्राई हो चुका है, ये अच्छे से फ्राई भी हो चुका है, ऑयल सेपरेट होना स्टार्ट हो चुका है। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। 3 से 4 हरी मिर्च इसमें डाल देंगे और थोड़ा सा हरा धनिया इस पर डाल देंगे और अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। तो लीजिए, तैयार है हमारे मसालेदार कलेजी फ्राई की रेसिपी। ये बहुत ही इजी रेसिपी है, बहुत ही कम मसालों के साथ ये रेसिपी बनी है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। ये बहुत ही टेस्टी, चटपटी, मसालेदार बनकर तैयार है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।